आरसीबी मारवाड़ी मारवाड़ी राजस्थानी बोलूं मैं बोलो बोलो एक बार शुरू करो नहीं बिग सारी दो दो चीज है एक तो भी कह सको आपकी मन राजस्थानी में लगाव है दूसरा वो भी है कि मन हिंदी अंग्रेजी दोनों ही को नहीं आ रहा तो काम चलाने खातर जरूरी है कि आपकी भाषा में बोल ले मेरा हालांकि आप वाला फील्ड हूँ डॉक्टर से लेन देनों भी तो ये है कि कभी बीमार हो तो मैं गया हूँ आपके पर मेरे अंदर आप में एक समानता हो सके कि आप ज्यादातर रूस यूक्रेन आ देशों करके आया हो बार करके आया मैं रूस तीन बार घूम के आ गया तो विजु मन दे रहा मैं तो मेरे बार बार रूस ये तो आपकी बार तो मारे को गाइड वो मन कह दियो कि अगली बार रूस मत आई जो वरना अमरीका कभी जिंदगी में विजो बंदे से मान लाइस जासूस मैं सेकंड टाइम जब रूस गयो तो मारे हाथों जगह कोई लगवायो बटको बढ़वायो वो पूरा जगह आइटनरी हो तो बटपा तो चलो जाके कि आप ना जगह गाइड है गुजराती भैया है तो दर्शन जी मिले बट गुजरात का तो मैं बन पूछू यार आप तो गुजरात का हटके आया तो बेटो मैं आयो तो एमबीबीएस करण में हो पर मैं गुजराती आदमी हूँ मन आगे लागे यार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम ज्यादा गुजराती आदमी है तो फिर बिजनेस माइंड थोड़ा ज्यादा लगा तो दो काम करो वे खुद तो एक रशियन लड़की हूँ शादी कर ली जगह डॉक्टर तो बट रशिया में रेंट भी ला गया और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बिजनेस कर लिया बट टूरिस्ट को वो आपको कार्ड बनवा लिया तो बट टूरिज्म वालों भी संभाल बहुत भला आदमी है तो मैंने खूब सारी आपके बारे में बात बताई कि भाई हर जगह मेडिकल की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिले है हट बच्चा पठन खातर आवे तो आप लोगों से गए मैं अभी एमएलए साहब विराजमान है एमएलए साहब ने मैं बता रहे हो कि आप लोगों से गए सब अच्छी चीज है कि आपने एक बहुत छोटी उम्र में एक्सपोजर मिलो लोग आपकी पूरी जिंदगी काट जाए विदेश पहुंच जाए आप बाहर विकट है विदेश चले गए वो मोटी बात भारत भर के देश में क्या हो सके कि आपने एक्सपोजर मिले एक कारण वो भी है कि भारत में मेडिकल की सीटें खोली 2020 के आसपास में डब्ल्यूएचओ की क्राइटेरिया कब है हजार लोगों पर आपने 0.007 आसपास को डॉक्टर है आज स्थिति देखा जब और लगे कि आप डॉक्टर जगह भी फील्ड में काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत विराजमान है आप वास्तव में सैल्यूट के लायक हो भगवान कौन देखो पर वास्तव में जल्दी दुनिया का भगवान का रूप डॉक्टर होया करे तो वो काम आप कर रहे हो के ये बर्डन ना देखना काम करना बहुत मोटी बात होया करे देश में डॉक्टर को काम करना और टफ हो जावे जगह देश में हर कोई आदमी खुद डॉक्टर है आपने देश में हर आदमी का खुद का दवाई है हर मरीज की दवाई है वो खुद अपने आप में डॉक्टर बने घूमे गांधी जी के बारे में एक किस्सो है मैं तो हिस्ट्री को मास्टर हूँ जो मैंने हिस्ट्री थोड़ी बातें ज्यादा हुआ गांधी जी के बारे में एक किस्सो है कि एक बार गांधी जी का कोई एक आयो आदमी वो आके कोई बीमारी बताई आपकी भाई हाँ मेरी बीमारी तो गांधी जी के भाई एक तो नीम गांधी जी खुद अपने आप में डॉक्टर बन गया और गांधी जी के तो नीम की पत्तियां जिकी है वे पीस के खा ले और छाछ भी ले ठीक हो जैसे बड़े जगह पे डॉक्टर साहब बैठा वे डॉक्टर साहब हाँ भरी पे हाँ सही है हाँ चीज कर लो तीन दिन बाद में वो मरीज वापस आश्रम के अंदर देखियो गांधी जी जो भाई तबीयत क्या है तो तबीयत तो खराब ही है पिया तो नीम की पत्तियां तो खाली पर छाछ को तो जुगाई ही नहीं है तो छाछ में को नहीं पी पाए तो भाई डॉक्टर साहब ने बुलाया डॉक्टर साहब बुला के डॉक्टर साहब क्या करे हो आप डॉक्टर साहब कहो आप बताए तो मान बता दी कि भाई आ लेनी है तो यहाँ करना है तो गांधी जी को बहुत अच्छा स्टेटमेंट हो गांधी जी कहो कि नहीं डॉक्टर साहब एक डॉक्टर ने वो भी देखना हो कि वो केवल मरीज ने दवाई बतावे ना वो मरीज की हालत भी देखेगा दवाई ले सके कौन ले सके मैं चाहूं कि आप जो डॉक्टर बनो आपने खूब सारे लोगों ने गांव के अंदर पोस्टिंग मिल सी बट गांव के अंदर आप कहीं कोई मरीज आओ तो आप देख जो कि केवल आप लिख दी कोई दवाई भी मतलब को नहीं वो भी ले सके कौन ले सके हालांकि आज सरकार एमएलए साहब विराजमान है तो आम लोगों भी धन्यवाद है कि आपने सरकार बीजेपी की भले कांग्रेस की भले बहुत सौ काम करियो कि दवाइयां फ्री होगी जांच फ्री होगी और मेडिकल एक आधारभूत आवश्यकता है जबकि लोगों ने मिलनी चाहिए सबने होना ही चाहिए पर फिर भी आप लोगों पर महती जिम्मेदारी आ जाए कि जबकि चीज सरकार लागू कर दी बात दंगू इम्प्लीमेंट हो पा रही है कोई नहीं हो पा रही लोगों ने वास्तव में भी लाभ मिल रहा है कोई नहीं मिल रहा है अभी नहीं होना चाहिए कि हॉस्पिटल का कोई चाल तो आदमी जांच करा के चले गए क्योंकि भारत में वो भी एक समस्या है कि फ्री में हो रही है तो करवाई ला तो वो भी एक ध्यान रखना होगा कि नहीं उचित आदमी बात चीज पहुंचे जब भी हो सके फिर आप लोगों को एक सब बड़ो योगदान जगो हमेशा यहाँ सुनता रहा कि डॉक्टर ओ करो
अब जब तक नहीं बीता जब तक कोई बताओ के करो के कौन करो लोग सुनी आप अपने बड़े गांव सुन जाओ आप बात मान ली पर आप आंखें जगी देखी वो कोरोना हो कि कोरोना जब दिन साची बात तो है कि बेटो बाप के करने कौन लागण चाहते भाई भाई के करने कौन लागण चाहते जब दिन आप डॉक्टर अस्पताल के अंदर मरीजन संभाल लिया आप ही बंगा रिश्तेदार आप ही भगवान आप ही डॉक्टर भी मैं पिछले कुछ दिनों को जो घटनाक्रम देख रहे हो बिगाता तो आप डॉक्टर ने एक बार और मैं थैंक यू बोलना चाहूँ कि पिछले कई दिनों जो कि कलकत्ता वाली वह घटना चल रही है पूरे भारतगंज डॉक्टर प्रदर्शन कर रहा मन लगा डॉक्टर को भी नॉर्मल काम तो है करे बीमारी को इलाज कर लो शरीर के अंदर जगह बीमारी को इलाज कर लो पर मन लगा पिछले महीना भर डॉक्टर समाज के अंदर जगह बुराई फैलगी को भी इलाज ही कर रहा है महिला प्रति जगी भी वायलेंस है अब एक समाज की बीमारी है रेप जैसी घटना के प्रति यदि डॉक्टर इतना आंदोलन कर रहे हैं तो वास्तव में सैल्यूट है कि यदि एक घटनाओं सबक लेके भी अपना समाज सीख सके तो बहुत बड़ी बात हो सी कई बार देखा से लगेगा समाज का नैतिक मूल्य मामले में पूरा हास्पद चले गया एकदम आज भी कई बार हालांकि कई बार सोचते हैं कि यार डॉक्टर पर हमला हो जावे और हो जावे तो भी एक इंस्टेंट तो मान लीजिए कि जगह को कोई को परिजन चले गए हो तो बिन दुख हुआ है बीटे और बिन लगे यार मारा आदमी चले गए तो इस डॉक्टर की वजह गए हो सी तो डॉक्टर पर ऐसा हमला जा और हो जावे बिन बावजूद डॉक्टर वापस अगला मरीज का देखने खातर चल जावे वो भी घटना भूल जावे मैं साफ विराजमान मान भी करना चाहूँ सरकार ऐसा कानून बनावे कि लोग सेफ महसूस कर सके वरना यदि डॉक्टर ही सेफ महसूस कौन कर सी तो समाज अपने आप ही अनसेफ हो जाओगे समाज भी महसूस कौन कर पाओगे वो भी एक भारत ई मामले के अंदर हमेशा बहुत सही रहे हो कि बहुत पुराने टाइम वो आप मेडिकल की परंपरा रह गई है मैं इतिहास जब पढ़ा करूं या इतिहास पढ़ाया करूं जो लग गया करे कि कद पुराना कोई सुश्रुत और चरक का चीजें पढ़ा कि बे लोग मेडिकल के क्षेत्र में बी टेम करके गया जब दिन लोग जानता बनी कि एनेस्थीसिया के हुआ है बी दिन भी सुश्रुत बंग सब की शल्य चिकित्सा भी कर रही है बाकी दबंग अपन फोटो मिले जब हम पता चले गया बे लोग सर्जरी किसी चीजें भी करके चले गए आप वे चीजें भूल गया भारत के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इतिहास में जो तीन भागा में बांटे गए तो वो एंशेंट मेडिवल और मॉडर्न में है हर दुनिया को इतिहास में कंटिन्यूटी है एंशेंट एंशेंट की चीजें मेडिवल में आ गई और मेडिवल की चीजें मॉडर्न में आ गई आपने साथ दिक्कत हुई कि आपने जो एंशेंट की चीजें वे मेडिवल के अंदर ब्रेक लग गई और मेडिवल के अंदर कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि भाई कोरोना ऐसी बात है जब कोरोना आया जब सब व्यापार छूट गया सब पढ़ाई की सब बात चाहवा की जान बच जाए मेडिवल को आपने पूरा टाइम युद्धा को टाइम रेड तो भाई युद्धा के टाइम के अंदर लोगों ने केवल और लगे आपने जान बचा लिया पढ़ाई रे सब बातें साइड के अंदर हो जैसी तो भाई एंशियंट वाली पढ़ाई तो पूरी तरीके से गायब होगी और मॉडर्न में बाद में जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज आके आपके देश की पढ़ाई लगा दी भी पढ़ाई से आप बहुत साल तक तारतम्य को बिठा पाया तालमेल को बिठा पाया मैं आप ही चाहूँ कि आप लोग जगह आगे को रिसर्च के क्षेत्र में जा सके तो प्लीज भी जो पुरानी भारतीय प्राचीन पद्धतियां वापस देखे वहां पर आप और रिसर्च कर पा तो आप दुनिया में बहुत कुछ बता पा कि आप अंदर पहला के चीज ही और आप के खो चुके हैं वह चीजें बारे में और पता चल से मैं आपने और भी कहना चाहूँ कि मैं भला ही राजस्थानी वो जो हम बोल रहे हो सू कि मन हिंदी अंग्रेजी की अच्छी कोई आवा तो मैं राजस्थानी बोल लू पर मैं आपने चाहती हूँ कि आप जब भी कोई डॉक्टर बनो तो आप जो कोई मरीज आवा भी भाषा में बात कर ले भी अच्छा कुछ ही को मेरा जगह कई एक्सपीरियंस है कि मन लगे कि डॉक्टर साहब दवाई किसी दी भी इलाज किसो उसी किसो को नहीं वहां बहुत अलग बात है डॉक्टर साहब ने कि मरीज ढंग बात कर लेना आधी बीमारी बटी दूर हो जाए पर कई बार देखा कि डॉक्टर साहब बात ही गुन करे डॉक्टर साहब केवल नीचे रकम करके दवाएं लिखे आपा गाँव डॉक्टर साहब बहुत दुखे डॉक्टर साहब एक दवाई लिख डॉक्टर साहब बहुत दुखे डॉक्टर साहब बहुत दवाई डॉक्टर साहब थोड़ा सा पूछ लेना सब राजी खुशी है कुछ नहीं होगा ठीक हो जाएगा मन लगे मरीज भी बहुत अच्छे फील करे और यदि आप बी की भाषा में बात कर ले तो वो आग लोग और अच्छो महसूस कर सके वो भी ठीक होके चल जैसे मेरे जानकार है जानकार तो फेसबुक की जानकार है फिर मैं वहां जयपुर में मिले डॉक्टर प्रवीण जाए नॉर्वे में डॉक्टर है एक बार मेरा कोचिंग आया था तो आपका किस्सा बताऊंगा तो बे बट बताऊंगा कि यार मारे बट आ है कि मैं जल्दी से कोई जांच फोन लिख के देवा कि भाई भारत में बहुत सामान्य है कि भाई आके हुए तो जांच करवा लो भी क्योंकि यार जांच वगैरह फोन लिख के देवा नॉर्मली जो क्यों कोई मरीज घबरा के मार के ना जावे घबरा के जब थोड़ी डमू बात कर लिया सामान्य दवाई लिखना 7 दिन अंदर ठीक हो जाए बिना 7 दिनों पहले आनो बनी तो वो ज्यादातर मामला अंदर तो ठीक हो जाए मैं चाहूंगी बीसी चीजें आप भी लागू करा तो मरीज थोड़ा और अच्छा फील कर सके वो और जब कोई गुड़ दिया मर सके बिन जहर गुन दिया करे कोई मीठी बात करे यदि ठीक होता है तो बिन दवाई देने की कोई जरूरत को नहीं बिन दवाई बाई हो जैसी
मैं अभी चाहूं कि एक खातर भी आप अपनी भाषा प्रमोट कर जो कि बहुत सारा मरीज थारे ना आसी जगह एग्जैक्टली बीमारी को नाम ही गुन जाने वे आके आपने वही बता सी मेरे घोड़ो डिग गयो आपने समझना पड़ सी घोड़ो क्या डिग गए है ना वहां के आई आसी मेरे शरण चाले अब वो आपने समझना पड़ सी का शरण चाले अगर किया है तो इसी खूब सारी क्रिमिनोलॉजी आपने मिल सी जबकि आपने समझ नहीं पड़ सी आप यदि समझ के भी थोड़ा ढंग बात करके भी देती तो भी बहुत भलो हो जैसी मध्य प्रदेश सरकार शायद पिछले 2022 में लागू कर दियो कि भाई मेडिकल की जगह पढ़ाई है स्थानीय भाषा के अंदर भी करा सा मैं एमएलए साहब विराजमान है मैं कहना चाहूँ कि आप सरकार में मांग भी कहूँ कि आपने अठे भी अपनी भाषा ने भी बढ़ाओ मिले अपनी भाषा में भी मैं पासा गांधी जी को करूँ मैं गांधी जी को बहुत पुराना कोई स्टेटमेंट देख रहे हो तो गांधी जी भी कहो कि मैं जब सेवंथ क्लास में पढ़ता हूँ तो मन साइंस बहुत टफ लगती फिर मैं जब बड़ो हो गया जब मन साइंस समझ में आने लगी तो मन लगे मन सेवंथ में साइंस क्यों कौन समझ में आती जबकि मैं तो भाई डल स्टूडेंट भी कौन मेरे समझ में आ जाने चाहिए चीजें तो गांधी जी कहे कि मैं जब सेवंथ में होने बीटेम दो चीजें लड़ रहे हो एक तो मन अंग्रेजी को नहीं आती एक मन साइंस को नहीं आती क्योंकि साइंस अंग्रेजी में पढ़ाता एक अदर को नहीं आती जब मैं बड़ा हुआ जब मैं गुजराती में साइंस पढ़ी अब मेरी लड़ाई केवल एक ही मेरी लड़ाई साइंस हुई मेरी लड़ाई भाषाओं को नहीं अब मैं गुजराती में पढ़ रहा हूँ मेरे पास समझ में आ रही पहला मन अंग्रेजी सीखनी पड़ रही साइंस सीखनी पड़ रही दो दो टर्म में जाके लड़ना पड़ रही ज्यादा हो रही तो यदि आपने भाषा अगर बढ़ाओ मिला है बिगंदर हो गया हो तो आपने लोगों को तारतम्य बहुत अच्छे बिठा पाओ आप यदि बारह रह के आया हो तो आप सब देखा हो सो मत खुद ही रूस जाके मतलब और पता चले मैं एमएलए साहब पहली बार जब रूस गए तो बटक के सारा भी लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग चलावे आप तो राइट हैंड में चला लेफ्ट में चलावे आपन लागे डर क्योंकि आपन लागे सामने गाड़ी आ रही है तो इन्हें काट चा वो इन्हें काट ले पच्चीस तो आपन लगे हे गए हो अंदर तो मैं मारो वो ड्राइवर बिल में कह रहा कि तो ढंग चलाया आज आया तुम आज ही मार सी आखिर तो पाची लासी गुन भेजा गाड़ी बाला का तो वो मारी गाड़ी थी बाइक महिला बामन वापस मैं दो तीन बार भी नहीं आकर उस बामन वापस की होगी इसमें क्या मतलब आपको इतना लगता है कि लेफ्ट राइट में चलाने से तुम इंडिया वाले राइट में क्यों चलाते हो पता है मैं तो मैं सही आदत चलावा राइट में हाँ फिर अंग्रेजों का गुलाम आदत चलाओ बाबा देशा अंदर राइट में चलाए जाए जर्जत अंग्रेजों को राज हो बाकी कठी कौन चलाई जाए और बा फिर मैं एक दो बार भी अंग्रेजी पे गयो क्योंकि रूस में जाके तो मन बहुत अच्छा फील हो मन लगा मेरी अंग्रेजी सब अच्छी क्यों मन आवर मन लगा आपने अंग्रेजी की तकड़ी है मन कहती है इंजीनियर फील को नहीं हो बांग सामने तो बा मन कहो तेरी जो अंग्रेजी अच्छी है ना तू कहता है हमारे से अंग्रेजी अच्छी इको भी कारण है कि तरह पर अंग्रेजा को राज रहे तो मन और लगे कि इतो बड़ो देश है जो दुनिया के एक कोणों लेके बी कोण तक फैले हुए जगन अंग्रेजी को नहीं आवे बिन बावजूद दुनिया की पावर है एक अगर भाषा ज्ञान को नहीं हो सके भाषा भाषा ही आनी चाहिए मैं चाहूँ अंग्रेजी थान इतनी अच्छी आनी चाहिए कि थे भी हम रिसर्च करो अमेरिका यूनिवर्सिटी में जाकर रिसर्च करो मैं चाहूँ कि थे अंग्रेजी को थे तमिल तेलुगु भी सीखो अपने देश की भाषा आनी चाहिए कि तो मन बड़ो अजीब सो लगे कि आप नॉर्थ इंडिया और साउथ की एक भाषा को नहीं आए साउथ वाला टूटी फूटी हिंदी तो आवे आप तो मांगे एक ही कौन सीख पाया और आप भारत की बात क्या कर सका जब आप साउथ की कोई भाषा कौन सीख पाया बड़ो अजीब सो लगे पढ़े लिखे लोग पूछना ना कि नॉर्थ ईस्ट का सात राज्य का साथ मुख्यमंत्री बता दो तीन कौन बताए थे आपने कोई कहो नागालैंड त्रिपुरा और मिजोरम का मुख्यमंत्री बताओ तो थाने पहला तो सोचने में टाइम लगे नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम है कटे कटे आप अगर वो जाना क्या बंगाल ऊपरली तरफ है एक्जेक्टली में कटे कटे आप बीम बार वो भी कौन जाना जबकि आप अपने आसपास का मुख्यमंत्री अपन योगी आदित्यनाथ पूछ लो अपन अरविंद केजरीवाल पूछ लो हट गया भी आज तो केजरीवाल जी को पंजाब को पूछ लो हरियाणा को पूछ लो आप सारा जाना और बटा के कौन जाना भारत भी जगदीत एक उसी जगह आप सारे लोग जान सकते हैं सारे लोग हो सकते हैं मैं आपकी बात अभी लास्ट जाके मैं ब्याह और पछे जाके आयो अभी रूस तो अठू गया तो मेरे साथ समस्या है कि मैं दहाके वेजिटेरियन हूँ दहाके वेजिटेरियन हूँ तो लसन प्याज बन रहा तो जबकि आप खाना की बात का तो मेरे पास है आंसू आने वाला सही आपकी बात सुन बटा रूस में जो भयंकर समस्या होगी बटियार खावा के तो बटेर को मिले ही को नहीं कि आप लोग कि भाई हर चीज है तो बांध के बाद नॉन वेज मिल सी पहली बात तो यार समझे को नहीं वेजिटेरियन क्यों है भाई विगन ही समझे वेजिटेरियन तो नाम कौन जाने फिर ले दे के बाद चावल मिल जाए भाई चावल खा लेते तो भी वहां पर और डर लगे कि आप सुनेडो को बीत मिला हुआ हर चीज में बीत मतलब तो गा को मास आप लगे गा को मास खलिया बाद में दुखे बाद का बचा तो यार चावल तो खास काम फिर मेरा दिमाग वापस कह गया चावल जखी कढ़ाई में बनावे है बिन साग ले में बीत बनाता वाला और मैं तो चमचो देने बिना करता ही होगा यार तो वो भी बन गई जाए तो आप क्या कर सका तो मैं अचूक फिर लेके जाता हूँ अपना खाखरा पापड़ा खूब सारा लेके जाता हूँ जो एक भी को सूटकेस तो भी हो जाए अब की बार जब मैं वापस आ रही हूँ तो मैं मॉस्को एयरपोर्ट पर बैठा कि बट अचूक दिल्ली आ गया अपने फ्लाइट पकड़नी है
तो बटन मार्केट में खूब सारा, तो मैं हस्बैंड वाइफ आपस में बात ही करा कि इतनी सारी चीजें बच गई आप लिया है, ज्यादा खाई ही को नहीं हमारे पास ही और लेके जाना, वो बाहर और पाँचों लेके और लेके जाओ। तो इतना एक सामने एक कोई टावर बैठो इंडियन इलाको छोटी सी उम्र 18-19 साल कोई टावर ये कोई बातचीत हो टावर को दूसरों बात करो बातचीत के अंदर पता चलो एक कोई अंकल और बैठे आप अंदरसियन को नहीं आए वो अंदरसियन में थोड़ा समझाओ। तो मैं ये पूछ लियो आप मैं उदयपुर हूँ अठे MBBS करूँ तो कितना दिन हो गया उदयपुर गया तो उदयपुर गया तो 1.5 साल हो गए मैं खाने गया था हाँ मुझे मार्कन है पेटी है मार्कन तो सारा दिन देगी ये तो यार तू कम कम रहा तो बड़ा वो भी है पर फिर भी बड़े देश का बाहर निकलने का बड़ा फायदा है आपने एक जिंदगी के अंदर खूब काम आसी आप जो बारह चीजें सीख के आया वे चीजें अठे लोगों ने और फायदा होसी आपने फायदा होसी छोटी उम्र में जब ऐसा बड़ा एक्सपोजर मिल जावे ना तो आदमी डेरिंग भी हो जाते हैं तो आप में वो डेरिंग भी आई होगा जिनके ठीक आप खूब सारी चीजें सीख के आओ मैं चाहूँ कि आप आपके फील्ड के अंदर बात इम्प्लीमेंट कर पाओ। मैं मास्टर हूँ बोलने की ज्यादा आदत है मैं ज्यादा बोल दूसू धन्यवाद आप लोग बोले जितना लोग एग्जाम पास कर लियो बन सबने आगे आपके मेडिकल फील्ड की बहुत बहुत शुभकामना जगह लोग एग्जाम देसो बन और खूब सारी शुभकामना कि आप जल्दी पास करो जल्दी जल्दी लागो आपने डॉक्टर की कमी है कि कमी दूर करो और जितो अच्छे हो सके मरीजान सावल करो कि वास्तव में जब डॉक्टर को धर्म है भी धर्म ने तो निभा सको तो भी ऊँचे और कुछ ही को नहीं हो सके। हालांकि मेडिकल फील्ड के बारे में कई उल्टी सीधी बातें भी पढ़ता रहा जैसा किडनी बेच की प्लान कर दी तो पैसा को 1% लोग होता उसी आधा परसेंट लोग होता उसी भी खाकर पूरा पैसों बदनाम नहीं होना चाहिए। आप लोग यदि कोई भी ढंग का काम कर सो तो बेसब चीजें दब जैसी बेसब चीजें इग्नोर मारी सी लोगों को विश्वास और बढ़ सी वो बढ़िया रहना चाहिए। आ नहीं होना चाहिए कि बीच में लोग कहना शुरू कर दिया यार थाना और अस्पताल में तो डर लगे थाना अंदर अस्पताल में पहुंच जाओ भी विश्वास में आप ही वापस जमा सको वापस आप लोग जब ही कर रहे हो भी खतरा आपने खूब सारा धन्यवाद।